इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। सो बॉलीवुड अदाकारा जय प्रदा दी गिरफ्तारी दे लई हुक्म जारी कर दिते गए ने। जी हाँ, किसी भी समय बॉलीवुड अदाकारा जय प्रदा दी गिरफ्तारी हो सकती है। सो मामला चोणां दे समय दे नाल जुड़िया है। मामले की पूरी जानकारी जरूर साझी करांगे। प्रिज़न नाली तो भी दस दी कि 7वीं वार जय प्रदा नूं लैके जो वरंट है वह जारी किया गया है। हालांकि जय प्रदा के उत्ते जो कार्रवाई है एक वड्डे पद्धर के उत्ते कार्रवाई होगी। सो अदालत ने पुलिस नूं अभिनेत्री तो राजनेता बनी जय प्रदा नूं गिरफ्तार करन अते 27 फरवरी नूं अदालत दे विच पेश करन दे हुक्म जारी कर दिते ने। सीनियर इतगासा अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा है कि जय प्रदा के खिलाफ 7वीं बार गैर जमानती वरंट जारी होने तो बाद भी वह सोमवार को सुनवाई के लिए अदालत के विच नहीं पहुंचे ने, जिस तो बाद अदालत ने पुलिस कमिश्नर नू जय प्रदा नू गिरफ्तार करके अदालत के विच पेश करने के लिए विशेष टीम बनाने के हुक्म जारी कर दिए ने। सो तो दस दिए कि अभिनेत्री आचार संहिता की उलंघना के दो मामलों के विच फरार दसी जा रही। सो आखिर मामला की है भी जरूर दसांगे। दरअसल जय प्रदा ने साल 2019 दे विच रामपुर तो भाजपा की टिकट से लोकसभा चोण लड़ी सी। चोणां दे दौरान अभिनेत्री ते चोण जाब्ते की उलंघना करन दा दोष लाउंदिया होया दो वख वख मामले दर्ज किए गए सन। एक केस रामपुर के संसद मैंबर अते विधायक की अदालत दे विच चल रहे ने अते जय प्रदा निर्धारित तरीकों के उत्ते सुनवाई के लिए अदालत के विच पेश नहीं हुई सी, जिस कारण उन्होंने खिलाफ एक तो बाद एक गैर जमानती वरंट जारी किए गए। हालांकि इसके बावजूद जय प्रदा अदालत के विच पेश नहीं हुई है। सो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हुण किसी भी समय जय प्रदा जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री भी रही है पर सियासत किते ना किते जय प्रदा नूं भारी पै गई है। सो भाजपा की एक खास तौर के उत्ते नेता ने जय प्रदा, पर दूजे पासे हुण गिरफ्तारी जय प्रदा की किसी भी समय हो सकती है। 7वीं बार गैर जमानती वरंट जारी कर दिए गए ने। 27 फरवरी तक हुक्म जारी किए गए हैं कि 27 फरवरी तक जय प्रदा नूं अदालत दे विच पेश किया जाए। इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है। सो बॉलीवुड अदाकारा जय प्रदा की गिरफ्तारी के लिए हुक्म जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, किसी भी समय बॉलीवुड अदाकारा जय प्रदा की गिरफ्तारी हो सकती है। सो मामला चोणां के समय के नाल जुड़िया है। मामले की पूरी जानकारी जरूर साझी करांगे। प्रिज़न नाली तो भी दस दी कि 7वीं बार जय प्रदा नूं लैके जो वरंट है वह जारी किया गया है। हालांकि जय प्रदा के उत्ते जो कार्रवाई है एक वड्डे पद्धर के उत्ते कार्रवाई होगी। सो अदालत ने पुलिस नूं अभिनेत्री तो राजनेता बनी जय प्रदा नूं गिरफ्तार करन अते 27 फरवरी नूं अदालत दे विच पेश करन दे हुक्म जारी कर दिए ने। सीनियर इतगासा अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा है कि जय प्रदा के खिलाफ 7वीं बार गैर जमानती वरंट जारी होने तो बाद भी वह सोमवार को सुनवाई के लिए अदालत के विच नहीं पहुंचे ने, जिस तो बाद अदालत ने पुलिस कमिश्नर नू जय प्रदा नू गिरफ्तार करके अदालत के विच पेश करने के लिए विशेष टीम बनाने के हुक्म जारी कर दिए ने। सो तो दस दिए कि अभिनेत्री आचार संहिता की उलंघना के दो मामलों के विच फरार दसी जा रही। सो आखिर मामला की है भी जरूर दसांगे। दरअसल जय प्रदा ने साल 2019 दे विच रामपुर तो भाजपा की टिकट से लोकसभा चोण लड़ी सी। चोणां दे दौरान अभिनेत्री ते चोण जाब्ते की उलंघना करन दा दोष लाउंदिया होया दो वख वख मामले दर्ज किए गए सन। एक केस रामपुर के संसद मैंबर अते विधायक की अदालत दे विच चल रहे ने अते जय प्रदा निर्धारित तरीकों के उत्ते सुनवाई के लिए अदालत के विच पेश नहीं हुई सी, जिस कारण उन्होंने खिलाफ एक तो बाद एक गैर जमानती वरंट जारी किए गए। हालांकि इसके बावजूद जय प्रदा अदालत के विच पेश नहीं हुई है। सो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हुण किसी भी समय जय प्रदा जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री भी रही है पर सियासत किते ना किते जय प्रदा नूं भारी पै गई है। सो भाजपा की एक खास तौर के उत्ते नेता ने जय प्रदा, पर दूजे पासे हुण गिरफ्तारी जय प्रदा की किसी भी समय हो सकती है। 7वीं बार गैर जमानती वरंट जारी कर दिए गए ने। 27 फरवरी तक हुक्म जारी किए गए हैं कि 27 फरवरी तक जय प्रदा नूं अदालत दे विच पेश किया जाए।